हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर, बात करेंगे आपके बैंक एक्स के ऊपर इस वीक और कल मंडे के दिन किस तरीके से चल सकता है, दोनों की एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके की मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात करेंगे कई सारे स्टॉक जिनके अंदर आने वाले टाइम के अंदर वहां पर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकअप और एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपोर्टेंट चीज है मिड कैप का चार्ट। मिड कैप के चार्ट को अगर 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे तो जो मिड कैप की टोटल 2024 के अंदर जो जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली, जबरदस्त थी। मार्केट लगातार आपका रैली करता हुआ, मार्केट 2023 से मार्केट लगातार रैली, उसके बाद में 2024 से मार्केट लगातार अपसाइड की तरफ एक जबरदस्त रैली की। देखने वाली बात है 2 साल के अंदर जो आपका मिड कैप है ये आपका 7,000 से 13,500 के करीब पहुंच चुका है, मतलब 2x हो चुका है। तो अब और क्या हो सकता है मिड कैप के अंदर, और हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीज है 2023 मई मंथ से लेकर के अब तक हमें इस प्रकार की एक बड़ी रेड कैंडल देखने को नहीं मिली। ठीक है, मार्केट के अंदर पर कैंडल्स बनी थी, मंथली वाइज कैंडल बनी थी, बट वो इतनी बड़ी नहीं थी। बट पिछले अक्टूबर मंथ के अंदर मार्केट आपका टोटल अपसाइड से फॉल करता हुआ 13,500 से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ 12,000 तक आ जाता है। और हाल फिलहाल का जो मंथ चल रहा है नवंबर मंथ, उसके अंदर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पिछले एक इम्पोर्टेंट लेवल, ये लेवल कौन सा है, लेवल है आपका ये वाला 12,200 का लेवल, जहां पर आपका एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं से मार्केट वापस कवर करके अगेन अपसाइड की तरफ 12,500 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इस वीक और इस मंडे को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, सबसे इंपोर्टेंट चीज है 1 मंथ के ऊपर अगर हमें टाइम 1 मंथ टाइम फ्रेम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर एक जबरदस्त प्राइज एक्शन। मार्केट लगातार प्राइज एक्शन बनाता हुआ, मार्केट लगातार एक अच्छा खासा प्राइज एक्शन बनाता हुआ, मार्केट अप साइड से डाउन साइड की तरफ आपका गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक कंफर्म सी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आएगी, तो वो तब आएगी जब आपका ये प्राइजेक्शन ब्रेक होगा अपसाइड की तरफ। जब आपका प्राइजेक्शन अपसाइड की तरफ ब्रेक होगा तब मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। जो लेवल है आपका 12,642 का लेवल, जब तक मिड कैप के अंदर ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट आपका इसी ही एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर अटक सकता है, उलझ सकता है और खटक सकता है और आपके प्रीमियम डीके कर सकता है। सबसे इंपोर्टेंट चीज है डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा फॉल कहाँ देखने को मिलेगा। तो मार्केट लगातार आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल, जो आपका ये लेवल बना हुआ है इसी इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो लेवल है आपका 12,250 का लेवल, जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता उससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो हमारे पास डाउन साइड की तरफ ये लेवल है और अप साइड की तरफ अगर बात करें तो 12,650 के करीब का लेवल है। मार्केट आपका लगभग लगभग 400 पॉइंट की रेंज को अप साइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे तब जाकर के इस वीक के अंदर हमें कुछ देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं मंडे की इंट्राडे मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क हो सकता है या मार्केट हमें एक छोटी मोटी मूवमेंट कहां पर दे सकता है। जिस तरीके से चार्ट हमें देखने को मिल रहा है तो मार्केट लगातार आपका अपसाइड की तरफ अपसाइड गया था, बट मार्केट अपने पिछले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट आपका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो लेवल है आपका ये वाला 12,650 के करीब का। मार्केट आपका ऑलरेडी 12,480-90 के आसपास खड़ा है। अगर डाउन साइड की तरफ बात करें तो मार्केट एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। ट्रेड लाइन कौन सी बनी हुई है, ट्रेड लाइन बनी हुई है आपकी ये वाली। ठीक है, मार्केट यहाँ से अब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके मार्केट इसी ट्रेड लाइन के अंदर घूम रहा है। एक अच्छा खासा फॉल कहाँ देखने को मिलेगा इंट्राडे, तो वो लेवल होगा केवल और केवल ये वाला लो। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है 12,427 का लेवल। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप फिल हो सकता है। मार्केट डाउन साइड की तरफ आपका 12,427 से 12,380 उसके बाद में 12,350 तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है।
मार्केट यहाँ एक मूवमेंट दे सकता है और एक अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। वो देखने को मिलेगा केवल और केवल 12,312। इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद जो मार्केट 60 to 80 पॉइंट के मूवमेंट फास्ट तरीके से डाउन साइड की तरफ दे सकता है। बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ। अगर अपसाइड की तरफ तरफ अगर हम मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो वो कहाँ देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के पास एक ट्रेड लाइन का होना, और जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन और इस लो को ब्रेक नहीं कर देता, मार्केट इस रेंज में घूमता है। अक्सर हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फिर वो मिड कैप हो, आपकी बैंक निफ्टी हो, आपके निफ्टी हो, कुछ कैसा भी इंडेक्स हो, उसकी एक्सपायरी वाले दिन उसके अंदर खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। एक्सपायरी वाले के दूसरे दिन एक अच्छे खासे मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। मैं आपको कल की रेंज बता दूं, 12,522 से लेकर के डाउन साइड की तरफ अगर बात करें तो 12,412। जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में घूमता है, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में घूमता है, कुछ भी बड़ा नहीं सोचना। अपसाइड की तरफ बड़ा कब सोचेंगे, अपसाइड की तरफ बड़ा कब सोचेंगे, तो केवल और केवल एक लेवल होगा, उस लेवल के ऊपर ही मार्केट के अंदर अपसाइड के बारे में सोच बनती है या मार्केट के अंदर सोचा जा सकता है। तो लेवल है आपका 12,542, 42 का लेवल। अगर मार्केट के अंदर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट फिर हमें दिखा सकता है 12,070, उसके बाद जो मार्केट अगेन दिखा सकता है 12,600 का लेवल। ठीक है, एक अच्छा खासा लेवल केवल और केवल 12,640 के आसपास ही मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, एक जबरदस्त मूवमेंट। इस लेवल के बाद मार्केट जा सकता है 12,680 और उसके बाद जो मार्केट दिखा सकता है 12,710 का लेवल। तो ये मिड कैप के ऊपर, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप हमारे एजुकेशन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, बेसिक टू एडवांस ऑप्शन मास्टरी कोर्स और ब्रह्मास्त्र, ये दो कोर्स है। इनके साथ आप मार्केट की नॉलेज के लिए, मार्केट को समझने के लिए, बारीक तरीके से समझने के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो। कॉल टिप्स के लिए मत जुड़ना किसी भी तरीके से, ओनली ऑन प्योर एजुकेशन, नेचुरल एजुकेशन। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं आपके बैंक एक्स की। ठीक, बैंक एक्स के ऊपर बात करने से पहले बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट स्टॉक, उनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट स्टॉक कौन सा है, फर्स्ट है HDFC, और HDFC अपने टॉप के आसपास है। कौन सा टॉप, 3 ईयर टॉप। ठीक है, मार्केट डाउन साइड की तरफ से 2022 से तैयारी कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने की, बट कभी भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसी लेवल से मार्केट डाउन साइड की तरफ फिसल जाता है। तो अब मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, हाल फिलहाल जो आपका स्टॉक खड़ा है वो खड़ा है 1754 के आसपास। इसके अंदर एक अच्छा खासा लेवल कौन सा होगा, वो लेवल होगा 1772, 72 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 1784 और उसके बाद में 1796 और उसके बाद में 1800 प्लस के लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक स्टॉक की और बात करेंगे बैंकटेक्स के ऊपर बात करने से पहले, वो स्टॉक है आपका आईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआई बैंक के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें फूल देखने को मिला और इसके अंदर हमारा एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है जिसे हम कप विथ हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ठीक, और ये कब तक आपका मतलब कि एक्टिवेट है या फिर ये फेल हो जाएगा, एक लेवल नोट कीजिए 1243। इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो उसके बाद में कप विद हैंडल पैटर्न हमारा वर्क नहीं करेगा, उसके बाद में ये सेटअप वर्क नहीं करेगा। बट जब तक 1243 के ऊपर ये स्टॉक है, अगर अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को हिट करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, जो लेवल है आपका ये वाला, इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और कप विद हैंडल पैटर्न आपका डेली टाइम फ्रेम पर बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 15 मिनट की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जिस तरीके से मैं कल के वीडियो के अंदर भी कह चुका, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, वो चीज जिसके अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिस की गई। ठीक, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल रहा है, बट इतना भी अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पहले हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिली। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्राइज एक्शन वर्क कर रहा है और प्राइज एक्शन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखिए, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आया,
आने से पहले मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस, एक इस तरीके का रेजिस्टेंस बना जो लेवल है 1320 का, ठीक है। मार्केट यहीं से आपको रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, डाउन साइड की तरफ आकर के 1255 का लेवल मान लीजिए, 1255 का लेवल जो एक इम्पोर्टेंट आपका सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला लेवल जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट यहाँ आता है और यहीं से वापस अगेन तेजी दिखाता है। बट हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब तक आपका प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं होगा, प्राइस एक्शन मीन्स मार्केट अगर अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आता है तो इस तरीके से आता है, मार्केट डाउन फिर रिट्रेसमेंट फिर डाउन फिर रिट्रेसमेंट फिर डाउन, ठीक है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कब देखने को मिलेगा, जब आपके पिछले रेजिस्टेंस ब्रेक, ठीक है, और फर्स्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट ही होता है, फर्स्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट ही होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो कौन सा लेवल है, वो है 1280 के करीब का आपका इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है। मार्केट आपका 8 तारीख को ओपन होता है बट यहीं से वापस डाउन साइड की तरफ आता है, अगर अगेन मार्केट अप साइड की तरफ जा करके 1280 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट वापस अगेन आपका 1300 और उसके बाद में 1320 जा सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी, मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी केवल और केवल 1320 के इस इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर। अगर मार्केट इस तरीके से वापस अपसाइड की तरफ जाता है तो आप एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होगा, उसके बाद में हमें इस लेवल के बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अपनी वॉच लिस्ट में रखिए आईसीआई बैंक को, ठीक है। थोड़ी सी बात बैंकेक्स के ऊपर कर लेते हैं, बैंकेक्स का चार्ट लगाइए 45 मिनट का, इसके अंदर आपको एक चैनल वर्क करती हुई दिखाई देगी और जब तक ये चैनल अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाती तब तक मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशन के अंदर वर्क करने से बचिए, क्योंकि जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं होगा हमें एक अच्छी तरह से मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को नहीं मिल सकती। कब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है तो लेवल होगा केवल और केवल ये वाला जो लेवल है आपका 5800, 58,350। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट फिर दिखा सकता है 58,000 का साइकोलॉजिक लेवल और उसके बाद में 57,700, ठीक है, 58,350 से मार्केट दिखा सकता है 58,000 का साइकोलॉजिक लेवल, फिर उसके बाद में 57,750 का लेवल, ये इसके अंदर ये मूवमेंट होगी। बात करें अपसाइड की तरफ, ये अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा मामला हमें कब देखने को मिलेगा, केवल और केवल इस लेवल को नोट करके रखिए जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, उससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। जो लेवल कितना है वो है 59,200, इस लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है फिर 6, फिर उसके बाद में मार्केट वापस अगेन 60,000 60,000 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। बात कर लेते हैं इंट्राडे कल मार्केट के अंदर 15 मिनट के ऊपर किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होना, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं 7 तारीख और 8 तारीख के मार्केट की, 7 तारीख के मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है उसको अगर छोड़ दिया जाए, इस सेकेंड कैंडल से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लेवल निकल कर आता है 59,500, ठीक, और डाउन साइड की तरफ जो एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आता है कौन सा वाला लेवल, 8 तारीख की फर्स्ट कैंडल का, कौन सा वाला लेवल 8 तारीख की फर्स्ट कैंडल का, ठीक, तो 59,000 का लेवल, ठीक। तो ये हमारे लिए 500 पॉइंट की जो 500 पॉइंट की जो मूवमेंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ वर्क करता है तो अगर आप मार्केट के अंदर अप साइड का कुछ सोच रहे हैं तो जब तक मार्केट अगेन आपका इस साइकोलॉजिक लेवल के अंदर या फिर इस रेंज के अंदर वापस ना चले जाए उससे पहले मत सोचना। अगर मार्केट यहाँ से फूल देता है तो मार्केट धीरे धीरे 58,700 फिर 58,600 और उसके बाद में 58,400 के करीब आ सकता है। बट अगर एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद जो की जाएगी वो की जाएगी 59,200 के ऊपर, अगर मार्केट इस लेवल के अंदर वापस अगेन एंट्री करता है फिर मार्केट के अंदर हम वापस हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो मार्केट हमें दिखा सकता है 59,500 का इम्पोर्टेंट लेवल, उसके बाद में ही इस रेंज का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है।
है, और भी कई सारे स्टॉक है जिनकी बात करनी है आप। ठीक, वो कौन से स्टॉक है जिनके ऊपर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जो फेवरेट लिस्ट में, मेरी फेवरेट लिस्ट में है, तो वो आपके लिए हो सकता है विप्रो। विप्रो की बात हमने दिवाली के उसमें भी की कि दिवाली के दौरान हमें विप्रो विप्रो के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट इस दीपावली से अगली नेक्स्ट दीपावली तक विप्रो के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और विप्रो के चार्ट को अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो विप्रो के अंदर जिस तरीके से मार्केट के अंदर हमें लगातार फॉल दिखाई दे रहा है, सभी लगभग लगभग 85% स्टॉक के अंदर जो हमें फॉल दिखाई दे रहा है, और लगभग लगभग सभी इंडेक्स के अंदर जो हमें फॉल दिखाई दे रहा है, वैसा फॉल आपके विप्रो के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा। विप्रो अपने इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास है। इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? जून के अंदर विप्रो ने अपना हाई लगाया था 580 का। ठीक है, अगेन मार्केट यहीं से अगस्त से कंटिन्यू कवर करता हुआ वापस अपने इसी लेवल के आसपास चला गया है। एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल जो लेवल है 588, अगर इस लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमें देखने को मिल सकता है 596, उसके बाद में 606 और उसके बाद में 618। ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ इस वीक के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की तरफ अगर हम सोचे डाउन साइड के बारे में अभी हाल फिलहाल विप्रो के अंदर नहीं सोचेंगे, क्योंकि खुद विप्रो इस गिरावट के अंदर इतना स्ट्रॉन्गली अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसके अंदर डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपने इसको पोजिशनल तौर पे अगर आपने इसको ले रखा है तो आपके लिए एक अच्छा खासा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 528 का, इसके बेस पर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं और स्टॉक की, और कौन से स्टॉक हो सकते हैं? एक स्टॉक अमरा राजा, जिसकी बात मैंने पहले भी की, फिर मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। जून के अंदर अगर आप स्टॉक को देखेंगे, जून के अंदर से एक अच्छा खासा स्पाइक हमें इसके अंदर देखने को मिला था, और उसके बाद वो वापस कंटिन्यू ये डाउन साइड की तरफ इस तरीके से आ रहा है, एक फ्लैग पैटर्न के तौर पर आ रहा है। और डाउन साइड की तरफ से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिल चुकी है, जो लेवल था आपका 750 के करीब, यहीं से ये कंटिन्यू अपसाइड की तरफ इसने 1800 का हाई लगाया, उसके बाद में कुछ इस तरीके की मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर नजर रखिए, लेवल होगा 1414 का। ठीक, हाल फिलहाल 1302 के आसपास है। डाउन साइड की तरफ बात करें तो 1228 का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख करके इसको होल्ड कर सकते हैं या इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से मैंने चार्ट एनालिस्ट की, तो समझ के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप नए हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।